नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल और साथ ही आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, क्या होने वाला है कोई बड़ा चमत्कार? जेल से बाहर आना चाहता है बाबा राम रहीम। क्या सच में ऐसा होगा? याचिका में दी गई है मुंह बोली बेटी की शादी की दुहाई। जी हाँ, बाबा राम रहीम ने कोर्ट में मुंह बोली बेटी की शादी का हवाला दिया है और ये शादी सिरसा में होनी है, जिसके लिए राम रहीम जमानत की मांग कर रहा है। और इस पर कोर्ट ने बाबा राम रहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और सीबीआई से पूछा है कि अगर बाबा राम रहीम को जमानत दे दी जाए तो क्या इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा। इस नोटिस का जवाब हरियाणा सरकार और सीबीआई को 1 मई तक देना है। अगर डेरा अनुयायियों की माने तो उनके लिए यह चमत्कार से कम नहीं होगा। फिलहाल बाबा राम रहीम शादियों के रेप और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या में दोषी करार दिए जाने के बाद रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। लेकिन अब बाबा राम रहीम शायद बाहर आना चाहते हैं और इस पर कई सवालिया निशान भी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि पंचकुला हिंसा मामले में जांच कर रही एसआईटी पर डेरा मुखी राम रहीम को बचाने के भी आरोप लग रहे हैं। इसलिए हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देने के बाद पंचकुला में डेरा समर्थकों द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में एक अर्जी हाईकोर्ट पहुंची है। अर्जी में मामले की जांच कर रही एसआईटी पर डेरा मुखी को बचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा है कि मामले में पकड़े गए कई लोगों ने पुलिस और अदालत में बयान दिए हैं कि इन दंगों की साजिश डेरा मुखी राम रहीम के इशारे पर की गई थी। हालांकि इन बयानों के बावजूद एसआईटी इन दंगों में साजिशकर्ता के तौर पर डेरा मुखी को नामजद नहीं कर रही। अब देखना ये होगा कि डेरा मुखी बाबा राम रहीम क्या बाहर आते हैं, क्या डेरा भक्तों की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। फिलहाल ये डेरा मुखी की आस है और डेरा भक्तों का विश्वास, मगर कानून को अपने तरीके से काम करना है और चुनाव से पहले इस तरह की खबर आना कुछ नया होने का भी बड़ा संकेत है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।